आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज, मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुख करते हैं अभी तक के प्रमुख खबरों की तरफ। अमरनाथ यात्रा के दौरान आतंकवादियों ने जो कायराना हरकत की, जिसमें कई यात्री घायल हुए एवं कुछ की मौत हुई, उसके विरोध में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कॉलेज प्रांगण में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। कल अमरनाथ यात्रियों से भरी एक बस आतंकवादियों द्वारा गोलियां चलाने से 7 यात्रियों की मौत हो गई और कई घायल हुए, जिसके शोक संवेदना देने के लिए आज कॉलेज परिसर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा शोक सभा का आयोजन किया गया और मृत यात्रियों को श्रद्धांजलि दी गई। सुनवाई बनी पुलिस छावनी, छात्रों के आंदोलन को दबाने के लिए बुलाई गई पुलिस। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से उत्कृष्ट विद्यालय एवं शासकीय उच्चतर महाविद्यालय की फीस वृद्धि के विरोध में छात्र संगठन DSO आंदोलन कर रहा है। आज इसी आंदोलन में शामिल होकर स्कूली छात्र एवं महाविद्यालय के विद्यार्थी जन सुनवाई में पहुँचे, जहाँ उन्होंने कलेक्टर राजेश जैन को ज्ञापन देने के लिए वहीं पर बैठ गए, जिसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की। पुलिस विभाग के साथ गुना SDM एवं अन्य अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे, जो कि उन छात्रों के आंदोलन को खत्म करने के लिए वहां पहुंचे। किसी भी शक्ति से ना मानने के बाद आखिरकार छात्रों ने कलेक्टर राजेश जैन से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने उत्कृष्ट विद्यालय में बढ़ाई गई 500 रुपये की फीस एवं महाविद्यालय में बढ़ाई गई फीस को वापस लेने के लिए जोर दिया, जबकि कलेक्टर जैन ने यह कहकर उन्हें टाल दिया कि वह कॉलेज के मामले में ज़्यादा दखल नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी वह उच्च शिक्षा मंत्री से इस बारे में बात करेंगे। समझ से परे है कि क्यों छात्रों की आवाज़ को दबाया जा रहा था, जबकि उनकी मांगें जायज़ थी। यह कोई राजनीतिक पार्टी होती तो इस तरह से पुलिसकर्मी क्या व्यवहार कर पाते? सूत्रों की माने तो DSO उत्कृष्ट विद्यालय में फीस वृद्धि को लेकर आंदोलन चला रहा था, वो सफल हुआ। शासन ने उत्कृष्ट विद्यालय की फीस वापस ले ली है। क्या हमारी जानकारी कुछ नहीं है? बता आप रेगुलर बता रहे हैं सर, ये प्रॉब्लम हो रही है, इसका सलूशन होना है, सलूशन हम लोग नहीं कर सकते सर। आप ही सर, आपने ऐसा कौन करेगा? उत्कृष्ट विद्यालय का हमने बोला था, डेट आई नहीं नहीं वो इस बात जैसा कि सभी को जानकारी में भी है कि पिछले 20 दिन से कॉलेज और एक्सेस स्कूल की जो फीस बढ़ाई गई है उसके अगेंस्ट में एक आंदोलन चल रहा है, जिसमें बड़े स्तर पर छात्र, अभिभावक, इवन हम लोगों ने मार्केट में भी सिग्नेचर कैंपेन चलाया, हजारों हजार हस्ताक्षर लोगों ने इस फीस वृद्धि के खिलाफ में और
इस आंदोलन के समर्थन में किए। आज हम लोग जन सुनवाई में कलेक्टर से मिलने आए हैं। ये जो फीस है, ये जो इतनी ज़्यादा फीस बढ़ाई गई है, एक्सीलेंस की 500 रुपये, कॉलेज की 200 रुपये, इसको वापस लेना पड़ेगा। और ये आंदोलन और ये छात्र आज यहाँ से इसका निर्णय कर ही जाएंगे कि इस फीस को वापस लेना ही होगा। कलेक्टर आंदोलन कर रहे हैं, उसके बाद भी देखा कुछ सार्थक रिजल्ट नहीं आया उसके। उसके बाद भी कलेक्टर बार बार आश्वासन तो दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। ये प्रशासन का एक गैर जिम्मेदारान तरीका है, जहाँ पर आप बोल रहे हैं, आप जन सुनवाई भी कर रहे हैं, आप जनता की आवाज़ सुन रहे हैं, जनता के मुखिया हैं, जनता के लिए, लेकिन जनता की आवाज़ न सुन के आप इस तरह का कर रहे हैं। तो आम छात्रों के हाथ में एक ही हथियार है कि वो मिलकर संगठित होकर आंदोलन चलाएं। और ये आंदोलन आज भी यदि कुछ नहीं होता है, ये आंदोलन और भी जन आंदोलन के फॉर्म में आगे बढ़ेगा। लेकिन फीस प्रति किसी भी रूप में सही नहीं होती, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का आधार भी नहीं होता है जहाँ पर कि किसी भी नाम पर फीस बढ़ा दी जाए। फीस बढ़ाना ही गलत है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। और ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा जब तक कि हम अचीव नहीं कर लेते। जन सुनवाई में पहुंचे गेहूं खेड़ा के ग्रामीण और कलेक्टर राजेश जैन से लगाई अपनी समस्याओं की गुहार। गेहूं खेड़ा से आए ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव में ना तो अभी तक कोई शौचालय बना है और ना ही सरकारी किसी योजना का लाभ उन्हें मिल सका है। अपनी इन्हीं मांगों के लेकर आज वह जन सुनवाई में पहुँचे। कलेक्टर ने उन्हें आश्वासन तो दे दिया है कि उनके मांगे जल्द ही पूरी की जाएंगी। कौन से गांव से आए? गेहूंखेड़ा से। क्या परेशानी लेकर आए? परेशानी ये है कि हमको आश्वासन दे रहे हैं शौचालय बनेंगी बनेंगी बनेंगी, अभी तक नहीं बन पाई। और क्या समस्या आ रही है? कुटीरन के आगे पीछे लिस्ट में आगे गैस आए, गैस भी नहीं है, कुछ भी नहीं मिली सुविधा, कोई सुविधा नहीं है क्या? गैस तो मिल गए, नहीं मिले कहीं शौचालय, नहीं भी मिले लोगों ने मिले। अभी आप कलेक्टर साहब से बात हुई? चक सकतपुर से पहुंची महिलाएं लेकर अपनी गुहार। सकतपुर निवासी इन महिलाओं का आरोप है कि नगर पालिका हॉस्पिटल की गंदगी लाकर सकतपुर में फेंक देती है, जिसके चलते उनके मवेशी तो मर ही रहे हैं, साथ ही उनके बच्चों की तबीयत पर भी बुरा असर देखने को मिल रहा है। इन औरतों का यह भी आरोप है कि कई बार मना करने के बाद भी नगर पालिका प्रशासन इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि जब भी नगर पालिका जाते हैं तो हमें आश्वासन भी नहीं दिया जाता कि हमारी कोई सुनवाई होगी या नहीं। कहाँ से आए? बताएं क्या समस्या लेके आए? परेशानी है सर के वो नगर पालिका नहीं फेंकी जाए, वहाँ पे गंदगी हो रही, बच्चे बीमार हो रहे, मर रहे। नगर पालिका क्या कर रही है? फेंक रही है गंदगी, मवेशी मर रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, हमसे खाने नहीं खबर, मक्खी खानों में गिर रही है। अच्छा, पूरी शहर की गंदगी आपको? पूरी शहर की गंदगी हमारे गांव के पास है। अभी आपकी कलेक्टर साहब से बात हुई? कलेक्टर साहब से बात नहीं हुई, वहाँ पे भीड़ है, जाने नहीं देंगे, जाने नहीं दे बिल्कुल भी वहाँ पे। जमीन पर कब्जे को लेकर देहरी खुर्द से आई कुछ महिलाएं। महिलाओं का आरोप है कि उनकी जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। हालांकि इन महिलाओं ने अभी तक किसी भी थाने में इसकी शिकायत दर्ज नहीं कराई है और वह जनसुनवाई में आकर अपनी समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं। महिलाओं ने यह भी कहा कि उनके पास जमीन के कागज मौजूद हैं, जिसके बाद भी कुछ दबंगों ने उस पर कब्जा कर लिया है। कलेक्टर ने प्रकरण देखने के बाद जाँच का आश्वासन दिया है। सुदाम भाई कहाँ से आए हो? देरी खुर्द। क्या परेशानी लेके आए हो? क्या जमीन समस्या? बारी पूरी राघवन सिंह जमीन आ रहा। कौन की जमीन थी? कितनी जमीन है? 60 की। तो हड़प ली, इसकी आपने FIR करवाई, रिपोर्ट करी? रिपोर्ट में कुछ नहीं करी। सीधे आवेदन देने आए हो आप? आवेदन देने। तो किसके नाम पे थी जमीन? केसरी के, संजय सिंह के और परमाल सिंह। कौन है ये आपके? बहू। तो रजिस्ट्री वगैरह आपके नाम पे ही है? नहीं, लोट भी करा है, लोट भी है। जन सुनवाई में पहुंची एक विकलांग महिला। आपको बता दें कि बजरंगढ़ निवासी गुड्डी बाई का कहना है कि उसका अभी तक राशन कार्ड नहीं बना है, साथ ही उसके विकलांग होने पर भी उसको कोई मासिक भत्ता नहीं मिलता।
अपनी मांगों को लेकर वह जनसुनवाई में आई। उसका यह भी आरोप है कि बजरंगगढ़ में कोई भी अधिकारी उसकी समस्या के बारे में नहीं सुनना चाहता। साथ ही महिला ने यह भी आरोप लगाया कि कई बार पहले भी वह जनसुनवाई में कलेक्टर राजेश जैन को ज्ञापन दे चुकी है, इसके बाद भी अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। महिला ने यह भी कहा कि जब भी आओ तो कलेक्टर महोदय वापस बजरंगगढ़ जाने का कह देते हैं। क्या नाम है आपका? कुंती भाई। कहाँ से आए हो? बजरंगगढ़ से। क्या समस्या लेके आए हो? राशन कार्ड नहीं है मेरे पास, महीना नहीं बंद हो, दो बच्च का नहीं है करूँ तो कुछ आपको बजरंगगढ़ कोई सुनते नहीं है, कोई अधिकारी नहीं सुनते? हाँ कोई नहीं सुनते। तो आपकी पेंशन कुछ नहीं बनती? नहीं है मेरे पास। इससे पहले आपने मिले हो कभी कलेक्टर साहब? मेरे के क्या बोले कलेक्टर साहब? सुन गई आपको तो ना आपका ये तो मैं बताई जा आपका कितने नहीं है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिला राधौगढ़ ने कल अमरनाथ यात्रियों पर जो आतंकवादी हमला हुआ उसका आज कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद का मुख्य चौराहे पर पुतला फूंका। साथ ही प्रधानमंत्री से आतंकवाद को खत्म करने के लिए ज्ञापन भी दिया। जिला अध्यक्ष श्याम ओझा ने कड़े शब्दों में कहा कि आतंकवाद को समाप्त करने में बाधा बनने वाले पत्थरबाजों से निपटने के लिए सेना को पूर्ण रूप से छूट दी जावे। यदि सरकार आतंकवाद को हटाने में सक्षम नहीं है तो फिर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को हथियार उठाकर आतंकवादियों को सफाई करने का काम करना पड़ेगा। कार्यक्रम में प्रखंड मंत्री अर्जुन सिंह गुर्जर, प्रखंड संयोजक गोलू ओझा, अरुण सूर्यवंशी, रिंकू सुनील, विष्णु गुर्जर, दशरथ, प्रदीप केवट आदि बजरंग दल के कार्यकर्ता उपस्थित थे। कश्मीर में जो अमरनाथ यात्रा चल रही है उसको विशेष सुरक्षा प्रदान की जाए, नहीं तो पूरे भारत वर्ष के अंदर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल बीनागंज में आज हिंदू संगठनों ने अमरनाथ यात्रा में मारे गए यात्रियों के लिए विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही NH3 पर एक घंटे चक्का जाम भी किया, आतंकवादियों का पुतला दहन किया। सैकड़ों लोगों ने NH3 पर जमकर कश्मीर के मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी भी की और आतंकवादियों पर जल्द कार्रवाई होने की बात कही। शहर के मुख्य चौराहे पर एक घंटे तक जाम होने से लोग परेशान होते रहे। वहीं पुतला दहन करने के बाद प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। किस को लेकर किया है? कल रात 8:30 बजे जो अनंतनाग में आतंकी द्वारा हमला किया गया है, अमरनाथ में यात्रियों पर, अनंतनाग में यात्रियों पर, उसके विरोध में आतंकी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया है। और केंद्र सरकार से हम ये अपील करते हैं कि हमारे सेनाओं को शक्ति, पूर्ण शक्ति दी जाए जिससे हम आतंकियों का विरोध कर सकें और हमारे यात्री सुरक्षित रह सकें। इसके खिलाफ हम SDM साहब को अभी ज्ञापन देने भी जा रहे हैं और पुतला दहन भी आपके सामने किया है। और हम यही पुनः निवेदन करते हैं कि हमारे सैनिकों को पूर्ण शक्ति दी जाए, पूर्ण शस्त्र दिए जाएँ जिससे हमारे यात्री सुरक्षित रहें और हमारी यात्रा सफल हो सके। अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकवादी हमले के विरोध में आज गुना भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जयस्तंभ चौराहे पर पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया।
इसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया एवं आतंकवाद विरोधी नारे भी लगाए। अमरनाथ यात्रियों पर पाकिस्तान के आतंकवादियों ने किया है, इसके लिए हम ये संदेश देना चाहते हैं कि भारत का नागरिक, भारत का युवा उनके साथ है, अमरनाथ यात्रियों के साथ है। अमरनाथ हमारा है, उसकी यात्रा हमेशा जारी रहेगी। कश्मीर भारत का है, रहेगा, हमेशा रहेगा। आगे का जो आधा कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में है, उसको भी भाजपा सरकार के नेतृत्व में भारत की सेना प्राप्त करके रहेगी। भारत माता का मुकुट सुरक्षित रखेंगे, इसी उद्देश्य को लेकर के हमने ये आतंकवाद का पुतला जलाया है। जय हिंद, जय भारत, जय अमरनाथ। डीजियाना न्यूज में आज बस इतना ही, कल हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।